दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। वेलकम टू 18 तेलंगाना न्यूज। बी केयरफुल व्हेन सिटिंग एट शेयरिंग ऑटोस। थ्री वुमेन अरेस्टेड बाई शालीबंडा पुलिस। डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल। आईपीएस ब्रीफ द मीडिया रिपोर्टेड बाई एहतेशाम खान। पिछले हफ्ते अप्रैल 3 तारीख को शालीबंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक अटेंशन डाइवर्सन का चोरी हुआ। एक लेडी ऑटो में जा रही थी, उनके साथ तीन और लेडीज आके उस पर साथ बैठ गए और उस पर ऊपर गिर के उसका छेड़छाड़ करके वो बीच में उतर गए। वो लेडी बाद में देखने से उसका जो सोने का ऑर्नामेंट्स है वो उसका मिसिंग हुआ। ये पता चला कि ये लेडीज उसको अटेंशन डाइवर्शन करके चोरी किए। शालीबंडे पुलिस स्टेशन का डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मनोहर शरीफ और उनके टीम उस दिन से लगे रहे इसी केस में पकड़ने के लिए और उसमें तीन लेडीज़ को अरेस्ट किए। तीनों महाराष्ट्र से आए पूरे, ये मांगर बस्ती सिकंदराबाद में रहने वाले। ऐसे ही चोरियां करके आजकल वो करते रहे और इसके ऊपर पहले दो केसेस है और पूरे का पूरा प्रॉपर्टी भी रिकवर हुआ। और इस केस में जो एक्टिव पार्ट है उनका हमारा शालीबंडा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मुनावर शरीफ और उसका टीम क्राइम स्टाफ सिब्बतुल्ला कांस्टेबल, श्रीकांत कांस्टेबल, विजय कुमार कांस्टेबल और सुपरवाइज करने में एसीपी माजिद साहब का भी बहुत इनका कंट्रीब्यूशन रहा। इन सब के लिए हमारे कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहब के तरफ से सबको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। और एक अभी मामला अभी चल रहा है, कोरोना फिर से वापस आ गए और केस रोज़ का रोज़ बढ़ता जा रहा है। और जो फर्स्ट फेज था लास्ट ईयर मार्च में ये लॉकडाउन शुरू हुआ और पीक हमारी लास्ट टाइम पिछले साल पीक जो है नवंबर में सबसे ज़्यादा केसेस आए उस टाइम पे। और अब जब हम इस साल अभी देख रहे हैं कि दो हफ्ते तीन हफ्ते में उस पीक से भी ज़्यादा केसेस अभी एकदम से आ गए और ये मुसीबत ज़्यादा होता जा नज़र आ रहा है। इसीलिए सब लोगों के लिए हमारी गुजारिश है कि सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। और अब पिछले साल का और इस साल का फ़र्क है कि अभी वैक्सीन में हमारी आ गए, सब लोगों को हमारी तरफ से गुजारिश है कि वैक्सीन ले ले। सब लोग ले सकते हैं एक्सेप्ट जिनको मेडिकली अनफिट करा दीजिए। आपसे अपने आप को अनफिट नहीं करा दीजिए। डॉक्टर अगर बोले आपसे कि आप नहीं ले सकते तभी आप नहीं ले सकते, नहीं तो सब लोग ले सकते। इसमें बहुत थोड़ी सी साइड इफेक्ट्स है लेकिन हमको नज़र आ रहा है कि जो भी वैक्सीन लिया उनको बहुत लोगों को नहीं आ रहा है और उनको आया जो भी बहुत हल्के से सिम्टम्स से वो निकल जा रहे हैं। और हमारी पुलिस स्टाफ से पुलिस ऑफिसर से उस पर उन सबको जल्दी से ले जल्दी ये वैक्सीन ले ले, उनके लिए अवेलेबल किया गया। फ्रंटलाइन वॉरियर्स पुलिस मेडिकल स्टाफ सबको उनको 100% लेने का है। जो भी फर्स्ट डोज लिए और सेकंड डोज नहीं लिए वो भी आगे आके ये डोज ले ले। और एक कोरोना पे हम इस पर विक्ट्री पाने के लिए हम सब मिलके काम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Confirm also with the help of CCTV in Chandler area, Kala Sadar area,
why the hotels are kept and why there is no restriction? There is no permission for opening of hotels late in the night. अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है हमको दे दीजिए, हम विल टेक नेसेसरी एक्शन, विल टेक वेरी सीवियर एक्शन. सर इधर भी, सर 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 इधर भी.